नमस्कार मित्रों, जय माता दी, गुरु भगवान की जय। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदम्बे भवानी की जय। मित्रों, आज फिर देवी माता की शरण में जाते हुए दुर्गा सप्तशती में से ही एक स्तोत्र अपन लेते हैं, जो कि हर कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ मित्र लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम मंत्र जाप करते हैं, हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, उसका फल कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो हमने उनके लिए एक उपाय खोजा और बताया, पर्सनल व्यक्तिगत भी बताया है, और आज फिर इस विधि विधान चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। मघा नक्षत्र में जिसको भी मंत्र सिद्ध करने की चाह हो और वह ये बात सोचता है कि मैं मंत्र सिद्ध करूं या मेरा मंत्र ये स्तोत्र या पूजा पाठ सिद्ध हो, उनके लिए विशेष आज मघा नक्षत्र जिस दिन पड़े, यदि रविवार या गुरुवार होता है तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। वो मघा नक्षत्र में आपको बेर की झरबेरी, आपने सुना होगा बेर का दड़ा जिसको बोलते, बेर का पेड़ नहीं दड़ा, झाड़ी टाइप की जो बनता है उसको झरबेरी भी बोलते हैं। मघा नक्षत्र में उस बेर की झरबेरी से कुछ पत्ते आमंत्रित कर विधि विधान के साथ मघा नक्षत्र के एक दिन पहले आप उनको आमंत्रित करें और उनसे निवेदन करके कि हम आपको इस कार्य के लिए, इस मंत्र सिद्धि के लिए आपको हम ले जा रहे हैं, कल आकर ले जाएंगे, आप हमारे साथ चलें और हमारे इस मंत्र अनुष्ठान को सिद्ध करने में सहायक हों। इस प्रकार प्रार्थना करके आप पीले चावल डाले आए और दूसरे दिन जब मघा नक्षत्र पड़ता है उस दिन आप उनको सादर ससम्मान लेकर आए, ठीक है। उसको लाकर एक इस प्रकार के लाल कपड़े पर आप रखें, ठीक है। जो देवी जी को फूल चढ़ाए जाते हैं, लाल गुड़हल के फूल, दो पुष्प बोलें वो रखें और अपना विधि विधान के अनुसार जो आप जाप पाठ स्तोत्र कर रहे हैं उसको आप करिए और उसका जो आपने लेके आए हैं मघा नक्षत्र में बेर की झरबेरी से पत्ते, उनके ऊपर आप सामने रख के उनके विधि विधान से थोड़ी सी उपचार से पूजा करें और अपना मंत्र जाप शुरू करें। आप देखना, आपको स्वयं अनुभव होगा कि वह मंत्र किस प्रकार से सिद्ध हो गया। हो सकता है कि आपको उसका कुछ अनुभव हो, स्वप्न में हो या जागृत ही हो, पूजा करते अनुष्ठान पाठ स्तोत्र का या मंत्र का जाप करते समय ही अनुभव हो जाए, तो आप अपने उस अनुभव को किसी के साथ शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, गुरु के निर्देशन में किया गया पाठ पूजा अनुष्ठान यह निश्चित रूप से सफल होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुरु की शक्ति रहती है, उनका आशीर्वाद रहता है, उनके निर्देशन में आपने यदि कार्य किया तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। ये बेर की झरबेरी का एक उपाय, ये एक चुनाव में जीतने लायक कार्य भी कर देता है, यह भी एक गुप्त बात है। इसको सिर्फ मिलने पर या फोन पर चर्चा करने पर ही बताया जा सकता है, इसके लिए हमको गुरु महाराज और माता जी की कोई आज्ञा नहीं है, इसलिए गुप्त रूप से इसको बताया जाता है।
और ये गुप्त रूप से ही कार्य करता है। तो दोस्तों आज दुर्गा सप्तशती का एक स्तोत्र और हम आपको बताते हैं, जो कि ये दुर्गा सप्तशती सभी लोगों के इधर रहती है अपने पूजा गृह में, तो उसके लिए ये सबसे शुरू में सप्त श्लोकी दुर्गा दी है, फिर उसके बाद दुर्गाष्टोत्तर 108 दुर्गा जी के नाम दिए हैं, इसके बाद कवच दिया है, इसके बाद अर्गला स्तोत्र है। इस अर्गला स्तोत्र की ही हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले गणेश गौरी की पूजा करके, गुरु महाराज की पूजा करके, उनसे मानसिक रूप से आज्ञा लेकर इस अर्गला स्तोत्र का आप 108 बार पाठ करें प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन, और 7 दिन तक इसको आप करेंगे, आपके मन की जो भी कामना होगी वह पूरी होगी। दोस्तों ये गोपनीय बात है, इसको उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए, गुरु महाराज माता जी की कृपा और आज्ञा से आज हमने आपको ये बात बताई। आज के लिए इतना काफी है। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय महाकाली।